नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव के रिजल्ट पर, जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और कल चुनाव का नतीजा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से इस देश में एक नई चर्चा चल पड़ी है कि ये लोकतंत्र है या सरकार तंत्र है। लोकतंत्र है या सरकार तंत्र है, ये चर्चा इसलिए चल पड़ी क्योंकि पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और चुनाव दौरान वहाँ के जनता का जो रुझान था वो कांग्रेस के तरफ था। जितने भी बड़े बड़े रैलियां हुई, जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकी, बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जो सी वोटर्स का ओपिनियन पोल था, जो मीडिया का अपना इंटरनल ओपिनियन पोल था, उसमें हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही थी। देश के सारे चैनलों ने चुनाव के बाद से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का ही ऐलान किया था। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनना तय थी। जम्मू कश्मीर में हर बार की तरह जम्मू में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, घाटी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया और जीत कांग्रेस गठबंधन की हुई और फारूक अब्दुल्ला का ही परिवार दोबारा वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में रिजल्ट में उलटफेर हो गया। यहाँ बीजेपी ने 48 सीटें जीती और कांग्रेस ने 35-36 तक की पहुंच पाई। अब सर्वे का पूरा उल्टा रिपोर्ट ये बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से कंप्लेन किया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि ईवीएम मशीन की जो बैटरी होती है जब वो सुबह से शाम तक चलती है तो बैटरी कम होती है, होती जाती है, उसकी चार्जिंग पोजीशन कम होती है। अगर 100% अगर बैटरी आप चार्ज करके लगाते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में भी देखते होंगे, और अगर बैटरी का इस्तेमाल होता है तो वो मोबाइल का बैटरी जिस तरह से जितना इस्तेमाल होता है 2-4 घंटे में वो 60-70% तक पहुंच जाता है। वैसे ही ईवीएम मशीन की अगर इस्तेमाल की गई है चुनाव के दौरान तो वो बैटरी 100% चार्ज की गई होगी और वो घटते घटते कम होके 60-70% तक आके रुक गई होगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कई जिलों में जो ईवीएम की बैटरी देखी गई है, पाई गई है, उसमें 90-95% ऊर्जा यानी चार्ज यानी उसकी कैपेसिटी अभी भी 90% की है। तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि ईवीएम बदली गई है, क्योंकि अगर ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जाती और उससे वोटिंग होती तो जाहिर सी बात है कि वो 100% से कम होके 60-70 या 30-40% तक जैसा जहां इस्तेमाल होगा आ सकता था। लेकिन जो बैटरियां 90-95% दिखा रही हैं वो सही संख्या नहीं है और कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये शंका है, शंका नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ईवीएम मशीनों के अंदर हेर फेर हुई है।
तो इसका कंप्लेन उन्होंने चुनाव आयोग को किया है।